मैडम। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घरों में होंगे। और देखिए मेरी बेटी जो है सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और वो सबके लिए चाय बना रही है और मुझे भी चाय पिलाएगी और आप सबको भी पिलाएगी। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। मेरी बेटी से देखिए वो मुझे चाय मम्मी जी चाय, मम्मी जी चाय कर रही है। और मासी को भी चाय पिलाएगी और सबको वो चाय पिलाएगी, आप सबको भी पिलाएगी। अपने पिलाओं के साथ पूरा मस्ती कर रही है, उससे कि उसे तो लग रहा है कि वो सचमुच में ही चाय बना रही है। और आज जो है मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल, मेरे मायके से आज मेरा विदाई होने वाला है और मैं जाऊंगी वहाँ पे और फिर से वही अकेले दादा। और क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और ये देखिए मेरे मायके का जो बाहर का मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला क्लिप जो आप सबको दिखा दूं कि देखिए सब कितना अच्छा लगता है यहाँ पे ना। अगर आप अकेले भी बैठ जाओ शाम के टाइम या सुबह के टाइम, इतना अच्छा लगता है। और मौसम देख कर अकेले भी अच्छे से वहाँ जाओगे तो मन लग जाएगा और बोर नहीं होंगे। तो चलिए अब मायके को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं ससुराल में। हाय फ्रेंड, आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो मैं है जा रही हूँ मेरे खिड़की के पर्दे लगाने, सब सफाई तो हो गए हैं, सब कल ही हुए हैं। मैं जब आई हूँ वहाँ से आने के बाद ये सारे काम जो की हूँ, उसके बाद अब भी मैं जब जा रही हूँ, सारे पर्दे तो कल ही धुला गए थे और अभी ये सूख भी गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरी खिड़की पे पर्दे नहीं हैं, वो दोनों साइड में जा रही हूँ, अभी खिड़की पे पर्दे लगाऊंगी। फिर जो है मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूंगी, बट पहले मैं खिड़की के पर्दे जो है वो लगा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी है मुझे आप सबसे। तब तक के लिए आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है और मैं नहा भर चुकी हूँ, बाल में शैम्पू भी की हूँ और पूजा मेरा हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी जो काम बचा है ना कल वाला वो पूरा कर लूँ। सबको पता ही है कि मुझे फास्टिंग जो है मुझे नहीं करना था, बट फिर भी मैंने फास्टिंग कर लिया सबके मना करने के बाद भी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाना खाने में। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हर बार मैं करती हूँ और इस बार कैसे मैं खाना खा लूँ। तो मैं आज फर्स्ट दिन है तो आज का मेरा फास्टिंग है और फिर मैं अगर हो सके तो मुझसे अगर हो पाएगा तो मैं अष्टमी वाला भी करूँगी, बट आज मैंने सबके मना करने के बाद भी कर लिया। वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि घर में सबका फास्टिंग था, सिर्फ मुझे ही खाना था। तो होता है ना कि खुद के लिए खाना बनाना बहुत ही मतलब कि आलस लगता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि सबका जब फास्टिंग है तो मैं भी कर लेती हूँ। एक तो आलस की भी बात है और दूसरे मुझसे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हर बार मैं फास्टिंग करती हूँ तो इस बार कैसे कर लूँ, कैसे मतलब खाना खा लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि अभी तो मेरा ऑपरेशन का आज पूरा एक महीना हो चुका है। और मैं ऊपर मेरे यहाँ जो पूजा रूम है वो 3 तला के सबसे ऊपर वाला ऊपर पे है, तो सब ऊपर गए थे पूजा करने के लिए, बट मैं सीढ़ी नहीं मुझे नहीं चढ़ना था उतना, तो मैं नीचे ही अपना जो जितना हो पाया उतना कर ली हूँ, उससे जो जितना हो पाया। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी कुछ काम है वो कर लूँ, चाय पानी मैं पी ली हूँ, अब ये थोड़ी सी काम जो बचा है वो कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, बट जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। कल आने के बाद मैंने अपने रूम को जो है जितना मुझसे मतलब साफ़ हो पाया मैं अपना रूम साफ़ की हूँ। बाकी का जो जितना रूम है घर है सब मेरे सासू माँ और ससुर जी मिलकर कर चुके थे, जो मेरा रूम बचा हुआ था तो मुझसे जितना हो पाया मैं उतना कर ली हूँ। और पर्दे जो हैं खिड़की के वो तो मेरे सासू माँ धो दी थी लेकिन अब सूख गया है, तो मैं जा रही हूँ खुद से लगाने। तो मैं पहले पर्दे लगा लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं मायके से तो यहाँ पे आ चुकी हूँ, बस मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं 2 दिन के लिए ही गई थी बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मन लग गया था और आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बट क्या करें, ससुराल ससुराल होता है, सबको रहना पड़ता है, तो चलिए ठीक है इसी में एडजस्ट करना है हम सबको। मायके तो हम लोग बार बार नहीं जा सकते और ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, तो चलिए इसी में एडजस्ट करते हैं। तो मिलती हूँ मैं पहले खिड़की के पर्दे लगाने, फिर थोड़ी सी आप लोगों से बात करूँगी। हेलो गाइस, अभी जो है मैंने सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी मैं आ गई अपने रूम में थोड़ी सी आराम करने के लिए। और सारा काम जो है कब का ख़त्म हो चुका था, बट मेरी काम वाली जो है वो नहीं आई थी, आज लेट कर दी आने में, तो बस उसी की वजह से वो लेट से आई, इसलिए काम थोड़ा सा उसके साथ तो उसके मतलब काम करती है थोड़ा नहीं पड़ता है
तो वो उसी में मैं थोड़ी लग गई थी, तो अभी लेट हो गया, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं जा रही हूँ अभी सोने, थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और इसमें भी मैं फास्टिंग आज कर ली हूँ, और सबके मना करने के बावजूद भी, तो देखते हैं आज सबकी डांट सुननी पड़ती है कि क्या होती है। अगर मैं ठीक रही तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गया तो सबका डांट सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ ना हो, मैं ठीक से ही इस फास्टिंग को जो है अच्छे से कर लूँ, जब मैंने सबके मना करने पे किया है तो। और अभी मेरे सारे पर्दे वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, और मैंने कुछ बनाया है आज, और उसकी रेसिपी मैं सबके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि पता नहीं आज वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो कैसा बनाया। अगर वो अच्छा बनेगा और हम लोग को खाने में अच्छे लगेगा तो मैं उसकी रेसिपी अगले वीडियो में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और शाम को मैंने कुछ सोचा है बनाने के लिए, अगर मैं वो बनाऊंगी तो उसकी भी मतलब रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी मेरा बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इस वीडियो कहीं पे एंड कर रही हूँ। और अब तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 मंथ हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं कितने हैं। पता है मैं औरों की तरह मेकअप करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, जैसी रहती हूँ वैसी बना देती हूँ, क्योंकि मेरी तो ऐसे भी तो 1 मंथ हो गया, मेरी तबीयत ख़राब है। आप सबको तो पता ही है कि मैं अभी किस हालत में हूँ और किस हालत से गुजर रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब मेरा सपोर्ट करिए। प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर, तो देखते हैं अगला वीडियो में कब बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।